मोदी ने वामपंथियों पर कसा तंज, बोले वामपंथ का झंडा यहां रेड सिग्नल था, बीजेपी विकास का डबल इंजन। करंट की चपेट में आने से महिला की हुई मौत, मौत की खबर सुनते ही परिजन में मचा कोहराम। धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों को पकड़ा पुलिस ने, आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हिस्ट्री शीटर अपराधियों से परेशान ग्रामीण, डीएम और पुलिस अधीक्षक ने से लगाई न्याय की गुहार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता अभियान, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता अभियान चलाया। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने अलीगंज के फतेहपुर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं अभियान में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए विधायक नीरज बोरा ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट और G20 की मेजबानी कर रहे हैं, अपने नगर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी ना केवल सरकार की है बल्कि नगर वासियों की भी है। मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव काशीपुर मजरे शहजादपुर का है, जहां सोमवार की दोपहर बाद गांव निवासी राजेंद्र कुमार की पत्नी राजपति 50 वर्ष खेतों में गेहूं की फसल की सिंचाई कर रही थी, तभी पड़ोसी के खेत की रखवाली के लिए लगी झटका मशीन से संचालित हो रहे करंट की चपेट में आकर महिला गंभीर रूप से झुलस गई और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार यादव। कहां के रहने वाले हैं? सैदलीपुर। ये कौन है आपकी? ये हमारी ये क्या घटना हुई है? ये लाइट करंट से हुई है घटना। तो खेतों में काम करने गई हुई थी? नहीं नहीं, अपने खेत में पानी लगाए थे हमारी बुआ जी। तो कौन लगाया हुआ था? बुआ जी हमारी लगाए थे। तो किसी दूसरे के खेत में लगाया हुआ था तार? नहीं, करंट दूसरे खेत में लगा हुआ था। ये अपने खेतों में पानी देने? हाँ, एक जो है किसी के घर है, हमको नाम नहीं मालूम, जानकारी करके बताएंगे हम आपको। किस में करंट लगा था? खेत में, गेहूँ के खेत में, वो बिजली से लगा था। किस वजह से लगाया जाता है करंट? साहब, ये जानवर ना आने की वजह से, जानवर का झटका मारे। तारों में लगा हुआ था करंट? जी सर, लेकिन जो है सर बैटरी वाला जो होता है। खबर आए बरेली से है, जहां धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोडर गांव का है, जहां गांव में ईसाई धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने एक घर में धावा बोल दिया। वहां कम से कम 200 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और घर में पूजा पाठ कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने मौके से एक महिला समेत 3 लोगों को ईसाई धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पकड़ा और मौके से लॉकेट, किताब सहित अन्य पूजा सामग्री को बरामद कर पुलिस को सूचना दी। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस की लाचार कार्यशैली से हिस्ट्री सीटर के परेशान ग्रामीण ने डीएम व एसपी से न्याय की गुहार लगाई। बता दें, दबंगों ने नाली के विवाद को लेकर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने अधिकारियों की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। नाली और खरिंजा को सड़क चुड़ियन का मामला है, आप दानों बंद किए हैं? राम कुमार यही घर के पीछे घर है, सड़क को पार पूरे गांव का निकास है, रास्ता का शिकायत करी के 100 नंबर आई आए हैं डीएम साहब के पास एप्लीकेशन दिलाने, कहा नहीं होगी फिर कोई आगे चारा होगा।
खबर रायबरेली से है, जहां कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद रायबरेली जनपद के गुरबख्शगंज में एक दिवसीय दौरे पर रहे और इस दौरान गुरबख्शगंज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग ने निषाद समुदाय के लोगों को मत्स्य विभाग से जुड़ी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की सौगात दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री निषाद ने समुदाय के लोगों को बहुत जल्द मत्स्य योजना दिलाने का आश्वासन दिया है, जिसमें मत्स्य पालन व नावी जैसे विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।